अगली खबर आ रही है सागर से, जहां मकरोनिया थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से 3 नकली पुलिस कर्मियों को पकड़ा है। आरोपी पुलिस वर्दी पहनकर घूम रहे थे। मामले में तीनों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास 3 युवक पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे थे। उनका हुलिया देखकर आसपास के लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही मकरोनिया थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्यवाही करते हुए तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। थाने लाकर युवकों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में युवकों ने अपने नाम अंकित अहिरवार निवासी ग्राम उदयपुरा टीकमगढ़, गोपाल अहिरवार ग्राम पुत्री खारा छतरपुर और सोनू अहिरवार निवासी ग्राम बंधा जिला छतरपुर होना बताया है। आरोपी अंकित ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी, वहीं गोपाल और सोनू ने आरक्षक की वर्दी पहनी थी। तीनों ने सागर में ही वर्दी सिलाई थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि अंकित अहिरवार सागर के मकरोनिया के दीनदयाल नगर में किराए का रूम लेकर रहता है। वह SVN कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। वह पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन पुलिस में नहीं हुआ। ऐसे में उसने नकली पुलिस वाला बनने की सोची, जिसके बाद वर्दी सिलाई और परिवार वालों को पुलिस में भर्ती होने की बात बताने के लिए यह कदम उठाया। उसने अपने दो दोस्तों को भी शामिल कर लिया है। इसके साथ ही रौब झाड़ने के लिए तीनों पुलिस की वर्दी पहनकर नकली पुलिसकर्मी बनकर घूम रहे थे। मकरोनिया थाना प्रभारी MK जगेत ने बताया कि पुलिस वर्दी पहने हुए 3 युवकों को पकड़ा है। युवकों द्वारा किसी से वसूली करने या अन्य कोई शिकायत अब तक सामने नहीं आई है। वह परिवार वालों को पुलिस में चयन होने को बताने और रौब झाड़ने के लिए वर्दी पहनकर घूम रहे थे। मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। रेलवे स्टेशन के पास में मिली है। एक का नाम है अंकित अहिरवार और दूसरे का नाम है गोपाल अहिरवार, तीसरा है सोनू अहिरवार। दो लड़के ये छतरपुर के निवासी हैं और एक टीकमगढ़ निवासी है। उनसे पूछताछ की जा रही है और इनके अपराध रिकॉर्ड भी मारा जा रहा है। नियम के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।